दीपक किलो दे के एक बंदा उधर बाबा एक बंदा उधर बाबा कुछ देना चलो चलो अरे बाहर पकड़ यार पा चल तो उधर पाओ अपने साथ के ਨੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਉਧਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚਲ ਮੈਂ ਫਰਗਾ ਦਮੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਣ ਨੇ ਜਿਵਾ ਬਰਦਾ ਚਲੋ ਬੋਸ ਚਲੋ ਲੈ ਆਓ ਇਧਰ ਕੈਂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਨਾ आज इन्या अकाउंट ही लगा मिठाई जो कुड़ी पैसे भी दो लो वाइट यार बस ठीक है देखो इधर देखो ऊपर थोड़ा पहले तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का वेलकम करता हूं अपनी पंचायत में। दूसरा मैं आपके माध्यम से अपनी पंचायत के लोगों को और अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये लेन एंड रेन का जो औसा मेला राम टू आनबड़ थी, मैंने अंडर 14 FC 2 लाख रुपये में सेक्शन करवाई थी, आज काम शुरू करवाया है। ये एक जेन्यून डिमांड थी मेरे ये जितने भी ये पंचायत के लोग हैं गली वाले, क्योंकि ये गली आज से 20 साल पहले बनी थी। मेंबर पार्लियामेंट ताल हुसैन जी थे, उन्होंने अपना फंड दिया था तब गली बनी थी। 20 साल के बाद आज मैं इस गली का दोबारा टाइल लगवा रहा हूँ। 20 साल बहुत एक अरसा होता है, और यहाँ इस गली में बहुत गंदगी थी, रोज मेरी डिमांड लोग करते थे, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे जो टीम मेरी टीम है वो भी, पंच, नायब सरपंच और अदालती कमेटी, ये सारे लोग ये डिमांड करते थे। और इनकी कर कमलों से आज जो हमारे BDC चेयरमैन है, जो चीफ गेस्ट हैं आज के उद्घाटन के तरसीम लाल जी, तो इनके सहयोग से और अपनी पूरी टीम के सहयोग से मैं ये काम कर पाया हूँ। आज शुरू होगा, 3-4 दिन 5 दिन में ये काम शुरू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये लोगों को संपर्क किया जाएगा कि यूज़ करने के लिए। और लोगों से भी मैं यही बेनती करूँगा कि बड़ा प्यार से काम करवाएं अपना, और जब काम कंप्लीट हो जाता है इसकी साफ़ सफाई का रखरखाव आप लोगों ने खुद करना है, क्यों ये फंड जो हैं ये गवर्नमेंट के कहीं से नहीं आते हैं, ये फंड हैं हमारा जो टैक्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं हम, दाल तक, चीनी तक जो लेते हैं उसमें टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा जो हमारी गवर्नमेंट, जो लेड बाई की सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी साहब जी हैं, उन्हें बड़ी बेहतरीन से प्लानिंग करके सारे टैक्स इकट्ठे करके और डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी डेवलपमेंट करवा रही है हर पंचायत में, और उसके साथ साथ हमारे जो BDC चेयरमैन है ये भी हमें फंड दे रहे हैं। 2 दिन के बाद एक गली जो इनके फंड से मैं स्कूल में शुरू करवाने जा रहा हूँ, वो इनका फंड है, और मुझे सहयोग मिल रहा है मेरी टीम का भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उसका भी सहयोग मिल रहा है कि इसको अपनी पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों की बुनियादी जो सहूलतें हैं उनको कम्प्लीट करने के लिए। और मैं अपने साथियों को ये कि विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आने वाले जो टाइम है ये अप्रैल के बाद, मैंने ये अपना गांव गंडली माड़ली में अंडर सोशल वेलफेयर
डिपार्टमेंट के मॉडल जो मैंने सेशन करवा लिया है और बहुत जल्दी इसके फंडिंग शुरू हो जाएगी अप्रैल में। सरपंच साहब गुरदीप सिंह सैनी जी ने आपको पूर्ण रूप से जितना भी था सब अच्छी तरह से बयान कर दिया है, बता दिया है। तो मेरे साथ जहाँ के नायब सरपंच हैं, पंचायत के पंच साहिबान हैं और जितने भी जहाँ के लोग हैं, सेक्रेटरी पंचायत भी मेरे साथ आज खड़े हैं, तो मैं इनको भी सबको मुबारकबाद अपनी तरफ से देता हूँ कि मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कुछ मैंने अगले दिन भी बताया था कि टेंडरों में कुछ नए नए टेंडर हमारे जहाँ स्टार्ट हुए हैं तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब लाइन पे काम आ गया है तो देखिए प्रोग्रेस। जैसे कि सैनी साहब ने बताया कि दिन ब दिन इस पंचायत को प्रोग्रेस देंगे और जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी, हमारे ब्लॉक की तरफ से इनकी मदद हो सकेगी, हम भरपूर मदद करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।